हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाली स्पेशल वीक ऑफ रेसिपीज। तो आज दिवाली की रेसिपी के लिए हम बनाएंगे खमन ढोकला। इसको हम येलो ढोकला भी बोल सकते हैं या इंस्टेंट ढोकला भी बोल सकते हैं। इसको बनाना है बहुत ही इजी, तो आए मेरे टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाएं ये खमन ढोकला की इजी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सर जार लिया है जिसमें 1.5 कप बेसन डाला है और स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी और हींग, और साथ ही साथ डाला है 2 चम्मच शक्कर, क्योंकि खमन ढोकला थोड़ा मीठा होता है तो उसमें शक्कर हम लोग मिलाते हैं। और उसके बाद अदरक और हरी मिर्च को कूट के डाला है, और थोड़े खट्टेपन के लिए मिलाया है नींबू का रस, और उसमें मिलाया 1.5 कप बेसन के लिए 1 कप पानी। और फिर ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीसने से ऐसा होता है कि इसमें कोई लम्स नहीं रहते और अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर बैटर को एक बोल में निकाल के उसमें 2 चम्मच तेल डाल के उसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा ढोकला बैटर रेस्ट कर रहा है, हम टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो 10 मिनट के बाद हमारा बैटर है तैयार। तो इसमें डालेंगे 1 इनो का पाउच और थोड़ा सा पानी, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो जो इनो हम लोग ने डाला है वो बैठ जाएगा और फिर हमारा ढोकला फूलेगा नहीं। तो अब बैटर को ट्रांसफ़र करते हैं ग्रीस करे हुए टिन में। और हमारा नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप ढोकले को स्टीम करने जा रहे हैं तो पानी पहले से ही अच्छे से गर्म और बॉयल्ड होना चाहिए। तो पानी हमारा अच्छे से बॉइल्ड है, तो उसमें डालेंगे एक स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर रखेंगे हमारा ढोकले का टिन, और ऊपर से लिड लगा देंगे और ढोकले को 15-20 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में स्टीम कर लेंगे। तो जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है, आइए तैयार करते हैं इसका तड़का। तो तड़के के लिए मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा तेल, राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 कप पानी। तो जैसे मैंने कहा है कि खमन ढोकला थोड़ा सा मीठा होता है, तो हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी और खट्टेपन के लिए नींबू का रस। तो इसमें एक बॉयल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारा ढोकला भी स्टीम होके बिल्कुल है तैयार। तो आप एक तीली डाल के इसे चेक करिए, तो आप देख सकते हैं तीली साफ है, तो हमारा ढोकला भी तैयार है। अब आप नीचे एक प्लेट लगा के ढोकले के टिन को उल्टा करके आप ढोकले को निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना लाइट और फ्लफी बना है। तो मैं इसकी एजेस कट कर देती हूँ। तो ये एजेस मैं ढोकले की चटनी बनाने में यूज़ करूँगी। तो अब ढोकले को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो बाजार में जैसे कट करके ढोकले मिलते हैं, तो मैं इसे वैसे ही काट देती हूँ। और फिर ऊपर से मिलाएंगे तैयार किया हुआ सिरप और तड़का। तो है ना इसको बनाना बहुत ही इजी। तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जब दिवाली में आपके गेस्ट मीठा खा के बोर हो जाए, तो उनको खिलाइए ये होममेड ढोकला, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो हमारे होममेड ढोकले का और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम बनाते हैं इसकी चटनी। तो इस चटनी में जाएगा धनिया, नमक, चीनी, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा नींबू का रस। और साथ ही साथ हमने जो ढोकले के एजेस काटे थे वो भी हम इसको मिला के अच्छे से पीस लेंगे। तो ये लीजिए हमारा खमन ढोकला और चटनी बन के है बिल्कुल तैयार। तो इस दिवाली में आप भी बनाएं ये ढोकला और चटनी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, और सबको खिलाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाएं। तो आप सभी को सबकी स्वाद की तरफ से हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली।